श्रीनगर के निवासियों को प्रशासन की तरफ से एक अलग तरह का नया यूनिक आईडी दिया जा रहा है। ये यूआईडी जो है इसमें श्रीनगर के निवासियों की सारी जानकारियां रखी जा रही है, जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी, जैसे कि प्रॉपर्टी कौन सी है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, प्रॉपर्टी का दायरा कितना बड़ा है, कहाँ पर स्थित है, ये सारी जानकारी के अलावा इसमें बिजली, पानी, कनेक्शन, ये तरह की सारी जानकारियां इस यूनिक नंबर में रहेगी जो श्रीनगर के निवासियों को दिया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अभी तक 2,00,000 लोगों के ये यूनिक आईडी नंबर बन गए हैं और तेजी के साथ श्रीनगर के सभी निवासियों के लिए ये नंबर तैयार करने का काम चल रहा है। इसे श्रीनगर में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ माना जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा अर्बन एरियाज में, ये उसकी तरफ पहला कदम है। हालांकि प्रशासन इस मामले पर फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोगों का काफ़ी विरोध सामने आया था। इसके चलते फिलहाल प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि इस यूनिक आईडी की मदद से लोगों की सारी जानकारी जो है इस नंबर में रखी जा रही है और लोगों को ये नंबर दिया जा रहा है ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने एड्रेस से लेकर दूसरे तरह के जो ऑफिशियल काम होते हैं उसमें करें। लेकिन लोगों का मानना है कि जो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स अर्बन एरियाज़ में लगाया जा रहा है, ये उसकी और पहला कदम है और ये यूआईडी बनने के बाद उन्हें अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा। लेकिन फिलहाल इस पर काम जोरों के साथ चल रहा है। श्रीनगर में लोगों से सारी जानकारियाँ ली जा रही है प्रॉपर्टीज़ की और ये यूआईडी का काम जो है वो प्रशासन की माने तो आने वाले कुछ महीनों में पूरे श्रीनगर में पूरा किया जाएगा और उसके बाद दूसरे जो अर्बन टाउन्स है वहां पर भी इसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।